हाय गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। कल तो चैनल पे वीडियो आई नहीं क्योंकि मैं कल थोड़ा बिजी था, लेकिन आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर क्राउन ज्वेल के अंदर जितने मैचेस हुए मैंने उसके बारे में प्रिडिक्शन की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा क्राउन ज्वेल के अंदर जो मैंने प्रिडिक्शन की थी वो सारी मेरी राइट गई है। एंड गाइस, अगर आपने मेरी क्राउन ज्वेल वाली प्रिडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्राउन ज्वेल के अंदर क्या क्या हुआ वो तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि क्राउन ज्वेल को होए हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे आपको उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि रोमन रेंज का अभी दूसरा मैच रॉयल रंबल में होगा, 2-3 महीने होंगे उस टाइम को, यानी रोमन रेंज अभी एक लंबे ब्रेक पे जाने वाले हैं और ये भी आपको शायद बहुत पहले पता चल गया होगा। एंड अभी WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है, तो इस बात के हाईली चांसेस है कि उसमें रैंडी ओर्टन और CM Punk में से दोनों में से एक का रिटर्न तो होगा ही। एंड भले ही रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज का पार्ट नहीं है, लेकिन आप बिना रोमन रेंज के सर्वाइवर सीरीज इंजॉय करोगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। ओके गाइस, मैंने इन बातों को बताने के लिए ये वीडियो बनाई क्योंकि 2-3 दिन से चैनल पे कोई वीडियो आ नहीं रही है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं और आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर कर दूं। और हाँ, मैं बिना माइक के वीडियो बना रहा हूं तो उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। स्टे ट्यून्ड।